निर्देशानुसार चलने वाला यह कार्यक्रम है। गुरुदेव का कहना है कि इस धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करो, जन जन तक मेरे संदेश को पहुंचाओ, इस दर्शन की जानकारी आप लोग खुद पहुंचाओ। एक एक शिष्य का दायित्व तो बनता है कि कम से कम वो 100 लोगों को बताए। इस प्रकार से एक चेन जो पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ सकती है, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और अगर मैं विनोद पुरोहित जी अगर मंच पे हैं तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। फिर उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। आपका स्वागत है गुरु भाई जी। गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई जी? हो गई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। 31 मार्च 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। इस समय संसार के सभी धर्मों में एक वर्ग विशेष अपने आप को धर्म का ठेकेदार घोषित कर बैठा है। सभी धर्मों में ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि उनकी आज्ञा के बिना ईश्वर से मिलना असंभव है। सभी धार्मिक ग्रंथ इस मानवीय व्यवस्था का खुला विरोध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, 9:30, यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे को भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, यथार्थ निश्चय वाला है। 9:31, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। 9:32, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। 9:33, फिर क्या कहना पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। गीता के उपर्युक्त श्लोक स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का कोई भी ठेकेदार नहीं है, हर प्राणी के लिए प्रभु के द्वारा है। परंतु फिर भी युग के गुणधर्म के कारण संसार में इतना अंधकार फैल गया है कि किसी को सही रास्ता नजर ही नहीं आता। इस युग में लोग भ्रमित करने वाले, झूठा स्वांग रचकर प्रदर्शन करने वाले ढोंगी लोगों की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। अपने विवेक से कोई चलने की स्थिति में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9:29, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न मेरा कोई अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें हूं। इतना होने पर भी इस समय के धर्मगुरु स्वार्थवश इसी पवित्र ग्रंथ की व्याख्या तोड़ मरोड़ कर करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। पाप पुण्य धर्म अधर्म त्याग तपस्या दान पुण्य स्वर्ग नरक आदि की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि लोग भयभीत होकर अपनी सहज बुद्धि भी खो बैठते हैं। इस प्रकार संसार के भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में ठगने का व्यापार सर्वत्र फैला हुआ है। इस संबंध में स्वामी श्री विवेकानंद जी ने इन तथाकथित धर्म गुरुओं को फटकारते हुए कहा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारे शास्त्र।
स्वामी जी ने संसार के सभी स्वामी जी ने संसार के धर्म गुरुओं का सही चित्र प्रस्तुत किया है। इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को पेट से जोड़ रखा है, पेट के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ज्यों-ज्यों इनका विरोध बढ़ता गया, इन्होंने भी अपने संगठन बनाकर अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया। एक प्रकार से दूसरा समाज बराबर संगठित करके हर मुकाबले की तैयारी कर ली। इस समय धर्म भय, लालच, प्रलोभन और धोखे से सिखाया जाता है। प्रेम, सद्भाव, श्रद्धा, विश्वास नाम की कोई वस्तु इस समय नहीं मिलेगी। केवल भ्रमित और भयभीत करके त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि की काल्पनिक व्याख्या करके जितना अधिक ठगा जा सके, निरंतर यही प्रयास चल रहा है। यह स्थिति अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब संसार के लोग आगे ठगे जाने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि सभी धर्म के मठाधीश इस समय अंतिम संघर्ष में लगे हुए हैं, परंतु परिवर्तन संसार का नियम है। इससे संसार की कोई वस्तु नहीं बच सकती, अतः इस धार्मिक व्यवस्था का भी अंत अधिक दूर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अभी गुरु भाई ने गुरुदेव की लेखनी का दिव्य पाठ किया है, जिसमें आज का विषय था हरि को भजे सो हरि को होए। गुरुदेव ने यही मार्ग बताया हमें कि भगवान का नाम है एक, तो मैं आपको देता हूं, तो उसको आपको जपना है। उस नाम जप से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। गुरुदेव हमारे कहते हैं कि ये दिव्य मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। पश्चिम तो इसको नहीं समझ पाता कि संजीवनी क्या है, लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि राम रावण की युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। तो हमें भारतवासियों को इसका तो ज्ञान है कि संजीवनी होती क्या है। गुरुदेव कहते हैं, उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके शरीर में सांस है, जान है, आप बेहोश हो तो संजीवनी मंत्र आपको मरने नहीं देगा। आपके शरीर में अगर जान नहीं है, अपडेट हो चुके हैं, तो फिर वो काम नहीं करता। कहने का मतलब कि अगर सांस मात्र ही चल रही है, गुरुदेव ने कई सारे उदाहरण दिए हैं कि स्ट्रेचर पर लेकर के आइए, उसका भी गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कि एक भंवरलाल आए थे और वो स्ट्रेचर पे आए थे, उनको मतलब सुनने समझने की शक्ति थी, समझ थी, लेकिन वो चल फिर बोल नहीं पा रहे थे। उनको स्ट्रेचर पर ला गया था गुरुदेव के आश्रम में, और गुरुदेव ने उनको कान में मंत्र दिया था कि इस मंत्र को तू जब ठीक हो जाएगा। तो जब मरा हुआ व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में है, वो इस मंत्र के प्रभाव से जिंदा हो जाता है, उसके सारे कष्ट कट जाते हैं, मिट जाते हैं। तो जो समझदार है, जो समझने लायक है कि इस मंत्र का प्रभाव कितना है, गुरुदेव इतना भी कहते हैं कि आपको जपना है, सिर्फ नाम जपना है। गुरुदेव ने बहुत कुछ नहीं दिया है हमें, गुरुदेव ने एक ही चीज दी है कि आपको नाम जपना है निरंतर, और 15-15 मिनट का ध्यान सुबह शाम, बाकी सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। आगे का कार्य गुरु का, अगर गुरु में सच्चाई है तो आगे का कार्य चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इससे सरल मार्ग आराधना का, इससे सरल मार्ग कुछ है ही नहीं है। सिद्ध योग जितना सरल योग है, इसमें आप हमें कुछ नहीं करना होता, जो मात्र शक्ति कुंडली ने हमारे अंदर विराजित है वो सब कुछ करवाती है। गुरुदेव ने अभी स्पीच में बताया था कि आपकी नाभि हड्डी रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी अपने आप, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होता है। हमें तो उस परमात्मा की तस्वीर को देखना है जिन्होंने हमें मंत्र दिया है, उस कल्कि भगवान की तस्वीर को देखना है जिन्होंने हमें मंत्र दिया है, और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना।
ध्यान के दौरान होने वाली योगिक क्रियाओं से सारे शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं, अपने आप मिट जाते हैं। और गुरुदेव ने 24 घंटे में हमें हमारा सिर्फ आधा घंटा मांगते हैं कि आप आधा घंटा हमें दे दो, 23.5 घंटा मैं आपका ख्याल रखूंगा, तो मातृशक्ति आपका ख्याल रखेगी। तो इससे सरल मार्ग हमें कहाँ मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, असाध्य रोगों से बहुत सारे गुरु भाई बहन ठीक हुए, एक से एक उदाहरण गुरुदेव देते हैं। तो सिद्ध योग अपनाइए, अपने जीवन में उन्नति ही उन्नति पाइए। सिद्ध योग अपनाइए, अपने जीवन का उत्थान बढ़ाइए। सिद्ध योग ऐसा योग है जो आपको आराधना का तरीका सिखाता है, इसमें कुछ कोई कर्म कांड ही नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं कि मैंने तो अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगाई भाई, तो इसमें लेन देन का कोई चक्कर नहीं है और मेरा काम भी नहीं रुकता। लेन देन के चक्कर में आज तक कोई काम नहीं रुका, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ सारा कुछ होता है, मेरा तो स्पॉन्सर भी गंगाईनाथ जी महाराज है। तो अगर आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, आपको अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो आपका कोई काम जीवन में रुकने वाला नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो। समर्थ गुरु सब कुछ अपने संचालन में, अपने अधीन सब कुछ करवा लेता है गुरु। मेरा निवेदन रहेगा इस मंच पर जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, कृपया आप लोग अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, अपने अनुभवों को शेयर करें, अपनी जिज्ञासा रखें, अपने प्रश्न भी रखें। आपके मन में अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो आप मंच के द्वारा जानना चाहते हैं तो उसको जरूर रखें। और नए गुरु भाई बहन अगर आए तो उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग अनुभूतियों को शेयर करें। जय गुरुदेव सभी को। कोई भी गुरु भाई बहन मंच की शोभा बढ़ाएं, यह आपका कार्यक्रम है, गुरु का कार्य है, गुरु के चरणों की सेवा करना हमारा परम धर्म है। क्योंकि गुरु ने तो हमें जो दे दिया है ना, उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। अब क्या चाहिए, क्या मांगू फरियाद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। सब कुछ तो आपने दे दिया, मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम तो आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, अपने चरण कमलों में हमारे लिए जगह बनाए रखिएगा, आपकी करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, यही आपसे विनती है। आप तो अवतारी पुरुष है, आप तो भगवान है, आपको तो सब कुछ मालूम है कि किसको कब चीज किस चीज की जरूरत है, कौन से शिष्य कहाँ पे परेशान है, उसको कब कहाँ ठीक कैसे करना है। कृपया आप लोग मंच की शोभा बढ़ाएं और अपने अनुभव को साझा करें। कोई भी गुरु भाई बहन, जय गुरुदेव। गुरु कृपा आईडी से जो भी भाई बहन है, तेरा निवेदन है, कृपया मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। गुरु कृपा, और किसी गुरु भाई ने एनरिच किया है क्या? जय गुरुदेव। गुरु कृपा की आईडी आप स्पॉटलाइट पे हैं, आप कृपया मंच पे आए और अपनी अनुभूतियों को साझा करें। बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, प्रेम सिंह भाटी जी, गुरु भाई जय गुरुदेव आपको। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच को साझा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, अपना कैमरा भी ऑन कर लें,
समस्या है। अच्छा लाइट की समस्या कोई बात नहीं। पर्सन पूछ तो साहब, एक पर्सन पूछ तो के एक गुरुदेव वो लेखनी में बताया हुआ ने कि आप मंत्र मंत्र जप का नहीं वो अजपा सुनो या नाद सुनो जी। अजपा सुनना कैसे पड़ता है, अजपा का मतलब क्या होता है? जो मंत्र अपने आप जपा जाए ऑटोमेटिक यूं निकल रहा है वही, उसमें ध्यान ध्यान देना है जी। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें वो लिखा होता नहीं कि अच्छा अजपा सुनो, तो मैंने सोचा पता नहीं ये पूछना है परसों जी। मंत्र जब हम बहुत सीरियसली जपते हैं गुरु भाई, हाँ, तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये अजपा में बदल जाएगा। बिल्कुल सर। फिर इसके बाद नाद की स्टेज आती है, हाँ नाद भी सुनाई देता है, अजपा के बाद फिर नाद चालू होता है जी। तो दोनों अजपा और नाद के दोनों परिदृष्टि में गुरुदेव ने कहा है कि आप इसको सुनो। फिर नाम अच्छा। जप को गुरुदेव बोलते हैं कि आपको नाम नहीं जपना है। अच्छा। जो चीज अंदर से सुनाई दे रही है उसको तो हमें ध्यान दे करके सुनना है ना गुरु भाई। हाँ जी जी, हमने तो प्रयास कर लिया। गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दिया है उसको जब हम जपना चालू करते हैं तो उसका तो प्रभाव तुरंत चालू हो जाता है। बिल्कुल। और जब साधक बहुत सीरियस होता है, बहुत सीरियस होता है मंत्र के पीछे, तो उसको तुरंत कुछ न कुछ ऐसी योगी क्रियाएं होती हैं, जो अजपा में बदलता है मंत्र, फिर तुरंत नाम देने लगता है। अजपा कभी कभी तो वो चलता रहता है, मगर कभी कभी वो ज्यादा मंत्र को यूं थोड़ा सीरियसली होके जपना पड़ता है जी। वो तो जपना हमें ही है ना। हाँ कभी कभी तो ये जैसे दिमाग लगाते ही होता है जी, जैसे हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, जैसे थोड़ा सा जो एक क्या कहते हैं ना गुरुदेव कहते हैं तेल की धार की तरह। हाँ जैसे वो धार टूटती है गुरु भाई, वैसे थोड़ा सा कम होता है। अच्छा। और जैसे हम फिर चालू करते हैं वो फिर अपने रूप में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अजपा यही है, उसका आनंद लीजिए। हाँ एक वो पता नहीं वो इसमें लिखा हुआ था, गुरुदेव की वो किताब है ना उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने देखा कल नहीं परसों मैंने सोचा किसी गुरु भाई को पूछेंगे अजपा सुनने का मतलब क्या है। देखिए आपके मन में चल रहा था, गुरुदेव ने आपको बुला लिया ना मंच पे। बिल्कुल सर, यही होता है, यही होता है, ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे हम सोचते हैं तब तक मंच से बुलावा आ जाता है। हाँ बिल्कुल सर, मन में सोचते हैं कि आज थोड़ा सा शेयर करेंगे मंच पे बताएंगे, तब तक मन बताएं नहीं बताएं, ये मन में सोचते हैं कि बताएं पूछे एक नहीं पूछे, यूं मन में रहता है बुलावा आ जाता है। वही यही इसी को कनेक्शन कहते हैं ना, गुरु और शिष्य का यही कनेक्शन है। बिल्कुल सर, आज तीन दिन हो गया मैं यूं सोच रहा हूँ पूछूं ना पूछूं, ये मैं ये सोच लेता हूँ ये इसको ध्यान लगा के सुनना मतलब यही होगा शायद, क्या पूछेंगे। तो गुरुदेव ने ये चल रहा था बोला कि भैया पूछ ले, अभी बोला भेज दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव का तो गुरुदेव कृपा बहुत अच्छी है साहब। जी जी जी, अभी तो आपकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना? नहीं कोई समस्या नहीं है, अब तो एकदम सही चल रहा है सब कुछ नॉर्मल। बिल्कुल साहब, एकदम बढ़िया चल रही हो। पहला कई दिन तक वो योगी क्रिया वगैरह बंद होगी, जो मैं देख गुरुदेव नाराज हो गया पता नहीं कहीं चीज है। वो पहले एक बार शुरुआत में एक दिन वो श्रुति गुरु बहन ने बताया था ना कि मेरे साथ ये हुई थी, वो हालत मेरे साथ भी के 3 महीने तक चली थी साहब।
फिक्स 3 महीना, उसके बाद में वो कम हो गई, इसलिए मेरे मन में आ गया पता नहीं गुरुदेव नाराज हो गए क्या हो गए, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब सही है एकदम। अच्छा, मैं आपसे आपके प्रश्न में से ही मैं प्रश्न करता हूँ। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी समस्या लेकर के, बीमारी लेकर के। हाँ, आपकी बीमारी दूर हो जाती तब भी आप डॉक्टर के पास जाते रहते हैं क्या? नहीं नहीं ना, नहीं जाते। हाँ, वही इसमें भी है, आपको जब अगर योगी क्रिया की जरूरत है, उस शक्ति को, मातृ शक्ति को, सत्ता को मालूम है, जगत जननी मातृ शक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि साधक को किस चीज की जरूरत है, वो करवाती है। बिल्कुल, अगर जरूरत नहीं है तो फिर क्यों करवाएगी? बिल्कुल, ये तो बात सही है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर आपको योगी क्रिया की जरूरत तो होगी, तो ही होगी, जरूरत नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि हम तो 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, हमें डेली कुछ न कुछ हो। हाँ, वैसी की वैसी हो, पहले होती वैसी की वैसी हो तो अच्छी बात है, ये मन में बहुत ज्यादा रहता है। नहीं, जितने भी नए चाहे पुराने साधक सबको ये होता है कि आज मैं ध्यान करूं, करने बैठू तो गुरुदेव कुछ योगी जरूर करवाइए। बिल्कुल सर। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, एक सत्ता बैठी हुई, एक मातृ शक्ति बैठी हुई है, मैं परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी है। बिल्कुल सर। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। जब मातृ शक्ति से हमारा कनेक्शन हो जाता है, वो मातृ शक्ति योगी क्रियाएं करवाने लगती है मंत्र के प्रभाव से, संजीवनी मंत्र के प्रभाव से। जब शक्ति एक्टिव हो जाती है और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर वो क्यों योग करवाएगी? आपने अभी कहा ना कि मुझे 3 महीने तक एक ही प्रकार की योगी क्रिया चली। 3 महीना साहब, एक रात में घंटा भर नींद आती थी, केवल 1 घंटा पूरी नींद जैसे पूरी हो गई। तो 3 महीने में तो योगी क्रिया ने उस समस्या का समाधान कर दिया। बिल्कुल। तो फिर अब क्यों होगी? हाँ सही है, ये तो बात। जब बीमारी दूर हो गई तो दवा की क्या जरूरत है? बिल्कुल। हाँ, और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हाँ सही है, ये तो बात। योगी क्रियाओं का मतलब ये होता है कि आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई समस्या है, तो योगी क्रिया होती है। समस्या आपकी नहीं है, ठीक होगी, तो योगी क्रिया बंद हो जाती है। सही। अब तो थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई, ऐसे वो शरीर में भाव ही जगने शुरू हो गए, जैसे एकदम ज्यादा मंत्र जब शुरू करते ही हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो अब शुरू हो गए। कभी कभी ऐसा भाव होता है गुरु भाई जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ थोड़ा सा हट करके होता है ना, जैसे या तो आपको नाद कभी भी सुनाई देने लगे, एकाएक उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, सीटियां बजने लगे, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उस समय रोंगटे खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अगर घर में है, गुरुदेव की तस्वीर के सामने है, तो हाथ ऐसे जुड़ जाता है, सीधा तस्वीर के सामने जैसे खड़े होते हैं। हाँ, 10 मिनट खड़ा रह जाते हैं। पागती वाला सोचता भाई इतनी देर ये खड़ा क्या कर रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता 10 मिनट हो गए जी, ये और हो जाता है कभी कभी। अगर घर में है कोई भी योगी क्रिया, चाहे ऐसा कोई अनुभव होता है, तो हम दौड़ करके तस्वीर के सामने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपकी महिमा बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उस समय हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं उनके प्रति। बिल्कुल सर, ये मेरा खुद का अपना अनुभव बता रहा हूं। जैसे मुझे कुछ ऐसी चीजें होती हैं दिन में, तो मैं तो सीधे दौड़ करके तस्वीर के सामने जाकर के खड़ा हो जाता हूं, और अपने आप आंखों से आंसू गिरते हैं गुरु भाई, अपने आप। वो भाव इतना बढ़िया पैदा होता है कि गुरुदेव अगर आप नहीं होते इस दुनिया में तो हमारा क्या होता। हाँ सही। नहीं, मैं तो खुद सोच रहा हूँ भाई, अगर गुरुदेव से नहीं जुड़ता तो मैं जैसा जन्मा वैसा ही मर जाता, ये मैं सोच रहा हूँ। कुछ भी ज्ञान नहीं होता, बाकी अब तो गुरुदेव की कृपा से पता नहीं वो ज्ञान भी कहाँ से आया है, और बाकी लोगों को बताते हैं तो भी वो बोलना भी आ गया। पहले मैंने आपको बताया था नहीं, किसी के सामने मैं बोलना शुरू करता नहीं तो मेरे ये पैरों की पिंडलियां ये दूजनी शुरू हो जाती थी।
बोलना आता ही नहीं था, ये भी गुरुदेव की मेहरबानी हुई। और अब तो कहां भी बोलो, चाहे हजार आदमियों के बीच में अगर खड़ा करके अगर गुरुदेव की कोई थोड़ी सी बात शुरू कर दी हो तो मैं तो बंद होता ही नहीं हूँ, कोई बंद करेगा तो ही होऊंगा। तो ये रूपांतरण कहां से आया? हाँ ये पता नहीं, अंदर से आया। देखो वो मातृशक्ति सब कुछ करवा लेती गुरु भाई जी। बिल्कुल हाँ, गुरुदेव बोलते हैं ना कि वो परम सत्ता को मालूम है कि किस डॉक्टर के पास जाना है, सही डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, सही दवाइयां दिलवाएगी, सही लोगों की संगत रखेगी, बुरे लोग तो अपने ही साथ छोड़ करके चले जाते हैं, ऑटोमेटिक पास में नहीं आएंगे ना। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आपको छोड़कर चले जाते हैं। कई दिन तो मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने बोला कि ये तो पागल हो गया, पता नहीं दिमाग तो कुछ न कुछ मिस्टेक हो गया है और इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या तो ये साधु बनेगा, पक्का ही साधु बनेगा। उनको उन लोगों को पता नहीं भाई गुरुदेव की ऐसी साधना है। मैं उनको बहुत बोलता था, मैं कि इसमें साधु वाली बात नहीं है। हाँ उनको नहीं मालूम ना कि अपने अपने कर्म है। अब उनको समझ आया कि यार ये तो साधना तो बहुत अच्छी होती है। मैं तो देखियो अब महीने दो महीनों में तो साधु बेणी पक्को है, और भारत के बहुत अच्छी हुई, अफीम छूट गयो, लकबेरी तकलीफ मिट गई। लकबो एक ऐसी चीज है जो कि लगभग हर घर में एक दो मिल जाता है आसपास में गांव में, तो वो लोग तो भुगत रहे हैं। और मैं तो घर घर के अलावा कहीं नहीं गया, गुरुदेव का मंत्र ही मंत्र। और एक दिन जोधपुर गुरुदेव ने ही भेजा डॉक्टर के पास, वो भी गुरुदेव ने किस लिए भेजा कि दवाई लेनी नहीं है, केवल दवाई लेके यहाँ पास में रखनी है। मैं यहाँ जोधपुर आया, आते ही किसी ने बोला कि दवाई लिया हो, तो मैंने मन में सोचा भी आज जाके ले आए, लेके आ गया। और वो दवाई एक टाइम ली, दो टाइम ली तो वो चक्कर आना शुरू हो गया और दवाई नुकसान करनी शुरू कर दी, मैंने रख दी। ठीक है, अब मेरे को ये समझ आया कि गुरुदेव ने इसलिए मंगवाई कि अगर तू किसी को बोलेगा कि मेरे को लकवा हुआ था तो ये पर्ची बताएगा तो ही मानेगा, बाकी तेरे अंदर तो कुछ लक्षण रहे ही नहीं, मानेगा। इसीलिए वो डॉक्टर को भेजा मेरे को गुरुदेव, तो प्रूफ करने के लिए कि हाँ मुझे बीमारी थी, प्रूफ के लिए। बिल्कुल प्रूफ के लिए। हाँ वो दवाई वगैरह अभी पर्ची दवाई सैप रखी हुई पड़ी है, दवाई मैंने ली नहीं, 15 दिन की दी थी। ये गुरुदेव की लीला है सर, सब कुछ बदल जाता। गुरु भाई जी कहते ने गुरुदेव की वो तो सब कुछ आपका रूपांतरित कर देगी, ये मंत्र ही संजीवनी मंत्र है। बिल्कुल संजीवनी, बिल्कुल संजीवनी है। हर समस्या का समाधान एक ही मंत्र से है। हाँ गुरुदेव बोलते हैं नाम जप ही चाबी है। और एक एक मैं सोचा यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियो मेरे आगे आ जाते हैं जो सबके सब गुरुदेव के समझ लो मिलते जुलते। हाँ आते होंगे। हाँ एक ही ऐसा वीडियो नहीं देखना नहीं आता है, ये आगे ही नहीं आता है। वो गुरुदेव के जो समझ के है, कोई अपन को प्रश्न है भाई ये है वो कैसे होगा, वो ही वीडियो आएगा और प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जी बिल्कुल, ये गुरुदेव की कृपा है सर। बस आप आराधना में लगे रहे हैं, गुरुदेव की कृपा ऐसी बरसती रहे। मेरा बस मंत्र जप, प्रार्थना है कि आपका ख्याल रखें, आप कृपा दृष्टि बरसाते रहें गुरुदेव। बस जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव, अंजना कुमारी अनु जी दो आईडी है, कृपया मेरा निवेदन है अंजना कुमारी जी, अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो तो कृपया मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। अंजना कुमारी जी जय गुरुदेव।
अगर आज गुरुदेव की कृपा नहीं है, गुरुदेव नहीं चाहते। और कोई गुरु भाई बहन? दिलीप सिंह राजपूत, जय गुरुदेव। गुरु भाई जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। गुरुदेव स्पीच में दो तीन लाइनें बोलते हैं, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, ऐसी मतलब दो तीन लाइन है, उनका थोड़ा सा अर्थ बताएं और किस संदर्भ में बोला है गुरुदेव ने ये, थोड़ा बताएं। गुरुदेव बोलते हैं जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल बीच कुंभ, कुंभ बीच पानी, बाहर भीतर पानी, वो घड़ा। फिर उसके बाद गुरुदेव बताते हैं मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े में पानी है और तालाब में रखा हुआ है, तो घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी, बिगटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति बिरले ही जानी। बिगटा कुंभ का मतलब होता है जब घड़ा फूट जाएगा, वो हमारे शरीर को बताते हैं गुरुदेव, ये जो मिट्टी का घड़ा लिए बैठे हो ना, एक दिन इसको फूटना ही फूटना है। मिट्टी का घड़ा, हम ये तो मिट्टी का शरीर है ना, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। गुरुदेव उसी संदर्भ में बताते हैं कि जो मिट्टी का घड़ा लिए बैठे हो, इसको गलना ही गलना है। अगर दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से मुक्ति पाते हो तो फिर नाम जपो, नाम जपोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। इस संदर्भ में गुरुदेव ने उसका वो उदाहरण देते हैं। जी गुरु भाई, बस यही थोड़ा सा जानना था। इस शरीर को ही गुरुदेव ने बताया है कि जो मिट्टी का घड़ा आप लेकर के घूम रहे हो ना, इसको गलना ही गलना है एक दिन। हम सांस ले रहे हैं, ऐसे वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, तो कहने का मतलब इस शरीर रूपी जो घड़ा है, इसके अंदर भी पानी है और जहां हम रह रहे हैं उसके बाहर भी पानी है। घड़े को पानी के, पानी में रख करके पानी में रख दीजिए तो उसको क्या कहेंगे, तालाब में रख दीजिए तो चारों तरफ से पानी पानी हो गया, उसको गलना ही गलना एक दिन। एक गति बिरला ही जानी, जो जुड़ता है सिद्धि योग से वही समझ पाता है कि शरीर रूपी घड़े को कैसे उसका यूज करना है, कैसे उसका प्रयोग लेना है, करना है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको आपका रोग मिटाने नहीं आया, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूं। जीवन मुक्त का मतलब होता है गुरु भाई जी कि फिर आपको नया जन्म, दूसरा जन्म नहीं लेना है, फिर जन्म मरण के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए गुरुदेव बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे ऐसे दैनिक भाषा में भी हम लोग कहते हैं कि मोक्ष बड़ा आसान काम नहीं है, उसके लिए तो बड़े कर्म कांड करने पड़ते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी पूजा पाठ करने पड़ते हैं। अक्सर हमारे घर में मोक्ष की बात चलती है, लेकिन उसको गुरुदेव ने बड़े सरल शब्दों में कहा है कि आप नाम जपो, अगर गुरु आपको दर्शन दे दिया आज्ञा चक्र पर, अगर मैं यहाँ पे देख गया तो फिर आपका अगला जन्म नहीं होना जी। और जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी प्रारब्ध की वजह से हमें गुरुदेव मिले हैं, पिछले जन्म का कोई अच्छे कर्म है कि गुरुदेव मिल गए जी, गुरुदेव इस जन्म में गुरुदेव के मिलने से पहले जो कर लिए हमने उल्टे सीधे कर्म, तो उनका क्या, उनको भुगतना पड़ेगा या वो भी कट जाएंगे? नहीं, भुगतना है गुरु भाई जी, भुगतना है। आराधना काल में भी हम भुगतते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, चार साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध अपना पूर्व जन्म आड़े आता है हमारे आराधना में। अभी जो आपने स्पीच सुनी ना, वो जो लेखनी में था कि मेरे यहाँ पापी भी अगर शरणागत हो जाए तो उसका भी मैं उद्धार करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है।
जो मार काट कत्ल मर्डर किया है वो भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका भी उद्धार करता हूं। भगवान तो इतना दयालु है, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं। गुरुदेव बोलते हैं ना कि अंदर से झुकना, अंदर से झुक जाइए सब कुछ मिल जाएगा। एक दिखावे का झुकना होता है और एक अंदर से झुकना होता है। वो भाव अपने आप पैदा होता है ईश्वर के प्रति। और ऐसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई मंदिर देख गया, आप प्रणाम कर लिए, वो झुकना नहीं हुआ। दिल से झुकिए, अंदर से झुकिए। उसी संदर्भ में लेखनी में कि जो दिल से झुक जाता है, चाहे वो कितना भी पाप किया हो, मैं उसका उद्धार करता हूं। वैसे तो आपकी बहुत दिव्य अनुभूतियां होती हैं गुरु भाई जी, आप ध्यान के दौरान जी गुरु भाई, मुझे तो वर्णन करें। अनुभूतियां तो रोज कुछ ना कुछ होती रहती है जी। डेली कुछ ना कुछ सपने में ही होती है मुझे ज्यादातर अनुभूतियां। ध्यान में तो अभी 2-3 दिन पहले ही हुई थी। अच्छा अच्छा। मैंने पहली बार अनुभव किया था कि कुंडलिनी शक्ति ये होती है और इसका काम ये होता है जी जी। बाकी सपने में बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ, कभी गुरुदेव कभी दादा गुरुदेव। लेकिन मेरा यही था कि गुरुदेव, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगाया, गुरुदेव ने बहुत जल्दी पकड़ लिया मुझे, 25 साल की एज में पकड़ लिया। लेकिन जो 10-15 साल कर लिए, मुझे ऐसी चीज से निकाल के लाए गुरुदेव, एक तरह से वो नर्क ही था। अच्छा अच्छा। 15 साल से 25 साल या 30 साल के एज में जो मतलब होता है युवाओं में खासकर, वो एक चीज होती है बहुत ही भयानक होती है, वो एकदम गर्त में ले जाके डाल देती है। सही बात। उस चीज से मुझे खींच के निकाला है। अभी भी कई बार मेरा दिमाग घूम जाता है, लेकिन फिर खींच के ले आते हैं गुरुदेव, नहीं उधर जाना नहीं, वो रास्ता ही बंद कर देते हैं, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। युवावस्था में ही भगवान से को याद करना चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है बहुत भटकाव का समय होता है, बहुत ज्यादा भटकाव। 10-15 साल इतना भटकाव आया मेरे लिए, क्योंकि उस समय तो युवावस्था जो होती है ना, जोश होता है शरीर में इतना कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। युवाओं के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। जी जी जी। गुरु भाई जी आप मंच पे बने रहे हैं, हंस कंवर गुरबान ने हैंड रेज किया है, उनका स्वागत है मंच पर। जी गुरु भाई आप मंच पे बने रहे। जय गुरुदेव। गुरबान कोई इशू ना आ तो कैमरा भी ऑन कर लें। जय गुरुदेव। अभी नहीं गुरु भाई ये ठीक है जी। मैं ये पूछ रही थी कि मैं आजकल मतलब 15 दिन हो गए, सुबह और शाम जब ध्यान में बैठती हूँ ना तो मतलब दो ही कानों से ना बहुत ज्यादा घंटियों की आवाज सुनाई देती है। तो नाद सुनाई दे रहा आपको, आप क्या चाहिए? मतलब दोनों, मतलब मंत्र भी चलता है और दोनों कानों से साफ स्पष्ट से सुनाई देता है, ये नाद है गुरुवर। तो मैं पूछना चाहती हूँ मंत्र जाप करना चाहिए या उसको ही सुनना चाहिए? अब आप प्रार्थना गुरुदेव से करें, खुद आपको बताएंगे। वैसे जहां तक हमें कहा गया कि जहां तक मैंने भी गुरुदेव से पर्सनली सवाल किया था, गुरुदेव मुझे नाद सुनाई देता है तो क्या करना है? गुरुदेव बोले बेटा तू नाद नाद को सुन, नाम जब बंद कर दे। लेकिन वो बंद नहीं होता गुरुबन। हाँ वही तो बोल रही हूँ भाई, वो भी जपता रहता है और दोनों कानों में से ऐसे साफ सफेद, जैसे अपन कोई मंदिर में घंटियां लगाते हैं, कोई आरती बोलते हैं, जब वो तेज तेज आवाज में बहुत सारी घंटियों की आवाज आती है, दोनों कानों से साफ स्पष्ट सुनाई देता है जी। आज मुझे खुद मेरे दाहिने कान में सुबह से चिड़िया फटफड़ा रही है, सुबह से। तो गुरुदेव की स्पीच में गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि नाद में बंसी की आवाज
हर बंसी की आवाज वो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सब आवाजें सुनाई देती है, चिड़ियों की चहचहाट, बंसी की आवाज, घंटी की आवाज, ये सब सुनाई देती है। हाँ जी, तो आप उसका आनंद लें। और नाम जप के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि उसको थोड़ा सा कम जपे, अगर नहीं रुकता है तो उसको चलने दीजिए। वो तो चलता है जी बन, क्योंकि मैंने खुद अपना प्रयास करके देख लिया और नाम जप बंद नहीं होता, मेरा भी नहीं होता बंद। मैंने वो चंदा कुंवर से पूछा था, जो वो बताए थे भाई आपको घंटी की आवाज सुनाई देती है तो नात ही सुने आप, ऐसे बोले थे वो, इसलिए मैंने सोचा सेशन में भी पूछ लेती हूँ भाई क्या है इसके बारे में। अच्छी बात है, लेकिन जैसे अब नाद क्या है, आप जैसे नहा धो रहे हैं उस समय पानी की आवाज में वो आवाज थोड़ा कम हो जाती है, तो उस समय नाम जपना है। आप कहीं बाहर है, बाजार में है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, शोरगुल वाले इलाके में है, हाँ जी, तो उस समय हमें नाम जपना है। लेकिन जैसे ही आप एकांत, मतलब एकदम शांत जगह पे हैं, एकांत जगह पे हैं, तो उस समय तो नाद बड़ा स्पष्ट सुनाई देता है। हाँ, तो आप, मैं कह रही हूँ ना, सुबह सुबह जब करती हूँ तो साफ स्पष्ट सुनाई देता है, जी, बहुत जबरदस्त स्पष्ट सुनाई देता है। हाँ, और जब सुनाई देता है बहन ना, तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आप तो, मैं तो प्रार्थना करता हूँ गुरुबहन, ये जब सीटी सुनाई देती है ना, तो गुरुदेव और तेज कीजिए, और तेज कीजिए। सही बोल रहे हो आप। एक बार मैं बताया था ना अपना अनुभव कि मेरे, मैं सुबह जैसे ही 4:45 बजे हम उठते हैं, और जैसे मैं उठा और मेरे पूरे कमरे में आवाज गूंज रही है। हाँ हाँ, ऐसा मैंने महसूस किया था। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुबान स्वादिकत का जी, आपका स्वागत है, स्वागतिका। जय गुरुदेव। गुरुबान गुरु भाई, अगर मंत्र जाप अगर नहीं होती तो क्या ऑडियो चलाकर सुनने से भी लाभ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, मंत्र जाप का प्रयास तो आपको करना गुरुबान। नहीं, अगर तो नहीं होती तो वो तो ऑडियो आप चलाएंगे अपने को लयबद्ध करने के लिए। ऑडियो क्या है ना कि जैसे गुरुदेव मंत्र जब बोलते हैं, उस समय साधक वो लयबद्ध हो जाता है, उसके साथ साथ नाम जपता है, लेकिन प्रयास आपको करना है, प्रयास हमें ही करना है, साधक को करना है और अंदर से करना। गुरुदेव इसीलिए तो बोलते हैं कि इसमें ओड और जीभ नहीं हिलना है। और पहले पहले नहीं होती तो चला कर सकते हैं? आप चला कर सकती हैं, लेकिन प्रार्थना कीजिए गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरा नाम जपवाइए। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, प्रयास तो हमें करना है। देखिए, एक तो ऑडियो तो एक सहारा हुआ ना, वो तो एक सपोर्ट के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन ऑडियो कितने देर तक आप लगाकर सुनेंगे? इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा कि इसको मन ही मन जपना है, और ये निरंतर चलने वाला है नाम जब जब साधक अंदर से मन ही मन करता है, तो आप कहीं भी रहें वो तो अपने आप चलता है। आप ऑडियो कहाँ कहाँ सुनेगी? अगर आप कान में लगा कर सुन रही हैं तो बाहर की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। उससे थोड़ा विकास हो सकता है, लेकिन आपको नाम जप पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और नाम जप आपको ही करना है। एक ऑडियो तो एक सपोर्ट हो गया ना बस, लेकिन नाम जप करना आपको ही है, प्रयास आपको ही करना है। और जितना प्रयास करेंगे, अगर प्रयास में दिक्कत है तो आप प्रार्थना करें गुरुदेव से, तो जरूर आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे।
क्योंकि गुरुदेव चाहे वो नाम जब सीधा जपा जा रहा है चाहे उल्टा जपा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आप प्रयास कीजिए। तो मतलब सही, अगर मंत्र जाप नहीं होती तो दिक्कत क्या काम करेगी हैं? मंत्र जाप अगर सही उच्चारण अगर नहीं होती है तो क्या काम करेगी मंत्र? बिल्कुल करेगी। गुरुदेव की कुछ स्पीच आप सुनिए, कुछ शब्दों पे गुरुदेव ने बल दिया है, क्योंकि फिर हम मंच पे मंत्र नहीं सुना सकते, नहीं बोल सकते। आप गुरुदेव की स्पीच सुनिए, उस पे गुरुदेव ने कई कुछ शब्दों के लिए कहा है कि इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे ध्वनि गिरनी चाहिए, उसको आप ध्यान से सुने और फिर जैसा गुरुदेव बोलते हैं ना, और फिर आप जैसे ऑडियो की बात कर रही है ना, आप ऑडियो लगा कर सुनिए, आपका मंत्र का उच्चारण सही हो जाएगा। लेकिन आपको निरंतर ऑडियो को लगा करके सुनने को मैं नहीं कहूंगा, कुछ देर के लिए सपोर्ट के लिए आप लगा सकती हैं, जैसे उच्चारण की बात आई है उससे आपका उच्चारण सही हो जाएगा। और कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। जी सहारा ले सकती हैं, लेकिन वो परमानेंट आपका परमानेंट नहीं है, नाम नाम तो आपको ही जपना है। एक तो सपोर्ट है बस, ऑडियो तो हम भी लगाकर सुनते हैं, हमारे सेशन में भी चलता है वो, तो हम गुरुदेव की आवाज में सुनना चाहते हैं मंत्र को ताकि शुद्ध रूप से जपा जाए, कि जपना है, जपना है हमें ही अंदर से। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरु। और कोई कोई गुरु भाई बहन अपने मन विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं मंच पे की स्वागत है, नहीं तो सेशन का समय हो चुका है। इंगू जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। इंगू जी गुरु भाई इंगू जी नहीं है क्या मंच पे? रंगलाल जी गुरु भाई कृपया आप मंच को समर्पित कर दें। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव भाई साहब। जी जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य गुरुदेव का दिव्य ओ इंगू जी की इंगू जी कर पाते जी। चलो गुरुदेव का कार्य सिद्ध हो और खूब गुरुदेव का प्रेम मिले, प्यार मिले और आशीर्वाद मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की जय। कल की अवतार की जय हो। जय हो। के सिंह जी सुबह जो है वो माइक जो डिसेबल था सुबह, हम आपसे गाना सुन